अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ अवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली रैमिंग स्कीम की वीडियो ले हूँ आपके पास। तो रैमिंग स्कीम जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं इनका सारा मसला इसका हल हो जाएगा। तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि इसी तरह की वीडियोज़ देखते रहो। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले रैमिंग स्कीम की आता है हमारे पास, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम और सॉन्ग। तो ये जो आखिर में पोएम के एंड पे राइम्स होती हैं ये उसकी जो पैटर्न होता है उसको हम जो ए बी सी करके इंडिकेट करते हैं ये वो होता है। इट इज़ यूजली इन्फर्ड बाई यूजिंग लेटर्स टू इंडिकेट द विच लाइन राइम विद द लाइन डेजिग्नेटेड विद ऑल सेम लेटर एंड ऑल राइम विद ईच अदर। तो ये अगर आपको इंग्लिश वगैरह समझ नहीं आए तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जिस तरह नीचे एक हमारे पास पोएम आ गई है, तो इसमें हमारे पास द डिसंबर लीव्स वाली पोएम है। तो जो मर्ज़ी पोएम हो, राइमिंग स्कीम का तरीका एक ही है, इसे आपने घबराना नहीं है, मैं आपको आपकी पोएम्स में भी कराऊंगा। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होती है, जो आपका एंड वर्ड्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पे कॉर्न फ्लेक्स है आपने यहाँ पे इसको देखना होता है। तो जिस तरह यहाँ पे एंड पे कॉर्न फ्लेक्स है और उसके बाद आपने इसी का इसको जो आपका पहला पोएम की पहली लाइन का लेटर होता है उसको आपने ए दे देना होता है और फिर आपने जाके दोबारा नीचे ढूंढना है कि कॉर्न फ्लेक्स से मैच करता हुआ कौन सा वर्ड है जो कि नीचे है। तो इस स्टैंजा में हमारे पास कोई भी नहीं है, तो इसलिए हमने ये नीचे दो स्टैंजा है, एक अलग है एक अलग। तो इसमें हमारे पास पहले में कुछ नहीं है इसलिए हमने सिर्फ इसको ए दिया। उसके बाद आप दूसरे को आएंगे, दूसरे में डिश है तो डिश को आप बी दे देंगे और देखेंगे कि डिश से मैचिंग कोई एंड लाइंस पे हमारे पास वर्ड है। तो यहाँ पे हमें स्टैंजा में स्विश और डिश आपस में राइम कर रहे हैं तो इसलिए हमने स्विश को भी बी दे दिया। इसी तरह हम फिर तीसरे पर आएँगे, तीसरे को हम डेफिनेटली हम सी का ऑप्शन देंगे, डिजिट देंगे, अल्फ़ाबेट जो भी है। तो इसी तरह हम ये नून है तो नून जैसा हम नीचे आके ढूंढेंगे क्या आया कि हमारी पोएम में जो कि हमारे पास एक स्टैंजा है उसमें हमारे पास नून के अलावा कोई राइमिंग वर्ड है। तो हम देखते हैं हमें नून के नीचे ही स्पून मिल गया तो इसकी राइमिंग क्या होगी, सी सी। तो यहाँ पे ए बी सी सी और बी, तो ये जो भी मैचिंग होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले को हमने कॉर्न फ्लेक्स के लिए ए सेलेक्ट कर लिया तो जिस तरह डिश के लिए हमने बी सेलेक्ट कर लिया तो दोबारा स्विश है बेशक वो एंड पे आ रहा है तो हम उसके लिए बी ही सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह दूसरे स्टैंजा पे आएँ तो यहाँ पे सबसे पहली जो लाइन थी इसमें स्विफ्टर था तो हमने स्विफ्टर को हमने ए दे दिया और पूरी पोएम में ढूंढा तो हमें स्विफ्टर नहीं मिला इसलिए ए अभी दोबारा कहीं नहीं यूज़ होगा। फिर हमने देखा स्लो है तो स्लो को हमने बी दे दिया, दूसरे नंबर पे था इसलिए हमने इसको बी दे दिया और फिर नीचे आके ढूंढा तो स्लो के साथ स्नो जो था मैच कर रहा था तो हमने एंड लाइन पे आके स्नो को भी बी दे दिया। इसी तरह शेक्स और फ्लेक्स जो था, शेक्स ये तीसरे नंबर पे था तो डेफिनेटली तीसरे नंबर पे सी आता है तो सी हमने इसको दे दिया और दोबारा नीचे गए पोएम में तो हमें फ्लेक्स मिला तो फ्लेक्स को भी हम सी दे देंगे। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम इसकी क्या बनेगी, ए बी सी सी बी। तो इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरी पोएम आती है वंडर्ड लोनली एस अ क्लाउड, इसकी अगर हम राइमिंग स्कीम देखें तो यहाँ पे हमने जो क्लाउड था इसको ए दे दिया, ये रेड ए है और ग्रीन बी है और ब्लू सी है। इसी तरह हमने ये जो क्लाउड था इसको ए दे दिया और उसके बाद नीचे आए हम इसी पोएम में ढूंढेंगे कि मज़ीद हमें कौन सा मैचिंग वर्ड मिलता है। तो क्लाउड के साथ जो क्राउड है ये मैच कर रहा है, राइम कर रहा है तो इसलिए हमने क्राउड को भी ए दे दिया। उसके बाद जो हमने दूसरे नंबर पे आए तो डेफिनेटली दूसरे नंबर पे बी हमने असाइन करना होता है तो इसमें हिल्स है, हिल्स को हमने बी असाइन किया तो मज़ीद हम आगे ढूंढेंगे कि हमें कहीं और इसका राइमिंग मिलता है। तो यहाँ पे हमें डैफोडिल्स मिल गया इसलिए हमने डैफोडिल्स को भी बी दे दिया। इसी तरह आखिर में बच ये दो गए तो हमने डेफिनेटली ये जो हमारे पास रह गया था ये तीसरे नंबर पर आ रहा था तो इसको हमने ट्रीज़ को सी दे दिया और डेफिनेटली इसके साथ ब्रीज मैच कर रहा है तो इसको भी सी दे दिया। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन गई, ए बी ए बी सी सी। इसी तरह हमारे पास ये एक और पोएम आती है, हेयर इन योर आर्म्स इज़ वेयर आई बिलोंग द बीटिंग ऑफ योर हार्ट इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो इसमें हमारे पास आर्म्स को हमने ए दे दिया क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट पे था, उसके बाद सेकंड पे हमारे पास बिलोंग है इसलिए हमने बिलोंग को बी दे दिया और नीचे आके ढूंढा तो हमें इसका राइमिंग वर्ड सॉन्ग मिल गया, बिलोंग और सॉन्ग, तो इसको भी हमने बी दे दिया और हार्ट डेफिनेटली हमारे पास थर्ड नंबर पर था तो इसको हमने सी दे दिया। तो ये थी हमारी राइमिंग स्कीम। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ आपके ये मॉडल पेपर्स वगैरह हैं, पोएम्स वगैरह हैं, इनमें हम राइमिंग स्कीम देते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन आता है होता है राइमिंग स्कीम का, तो राइट डाउन टू राइमिंग स्कीम ऑफ गिवन स्टैंजास। तो डेफिनेटली दो स्टैंजा हैं तो आपने दो राइमिंग स्कीम्स इनकी देनी है। तो इनको अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले वुड आ गया तो वुड को हम क्या दे देंगे, ए दे देंगे। ये हमारे पास वुड को हमने क्या दे दिया, ए दे दिया। इसी तरह ये जो हमारे पास सेकंड नंबर पे बोथ था, बोथ को हमने क्या दे दिया, बोथ को हमने बी दे दे दें।
क्योंकि ये हमारे पास सेकंड नंबर पे है और इसको हम क्या दे देंगे, बी दे देंगे। ये हमने इसको क्या दे दिया, बी। उसके बाद स्टूड था हमारे पास, डेफिनेटली ये वुड और स्टूड आपस में क्या हो रहे हैं, राइम कर रहे हैं, तो वुड को भी ये स्टूड को भी हम क्या दे देंगे, स्टूड को भी हम ए दे देंगे। तो ये स्टूड है, इसके सामने भी हम क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो ये हमारे पास इसकी राइमिंग स्कीम फ़िलहाल जो बनी है, ए बी ए बनी। इसके बाद स्टूड, वुड, स्टूड और कुड आपस में क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुड को भी हम क्या दे देंगे, ए दे देंगे। तो ये हमारे पास ए बी ए ए, ये हमारे पास राइमिंग स्कीम बन गई। और इसी तरह बोथ और ये जो ग्रोथ है आपस में, ये आपस में क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, तो बोथ को हमने क्या दिया था, बी दिया था, इसीलिए हम ग्रोथ को भी क्या दे देंगे जी, हमारे पास बी। तो यहाँ पे ए बी यूज़ हुआ है, ए बी ए ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है। तो ये मैं यहाँ पे अलग से भी लिख देता हूँ, ए बी ए ए बी, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, राइमिंग स्कीम आ गई। तो नीचे वाले को भी हम देख लेते हैं, उसकी राइमिंग स्कीम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फेयर था, तो फेयर हमारे पास पहले नंबर पे है, इसलिए हम इसको क्या दे देंगे जी, ए दे देंगे। तो फेयर को हमने क्या दे दिया, ए की राइमिंग स्कीम दे दी। उसके बाद नीचे जाके ढूंढेंगे कि फेयर का कोई और हमें मिलता है, फेयर क्लेम वियर देयर, और उसके बाद सेम फेयर के साथ हमारा वेयर, तो ये वियर है, वेयर तो नहीं है। उसके बाद देयर वियर देयर फेयर देयर, तो आई थिंक सो ये फेयर और देयर आपस में राइम कर रहे हैं, तो इस देयर को भी हम क्या कर देंगे, ए दे देंगे। उसके बाद हमारे पास क्लेम और सेम आपस में सेम है, तो इसमें हमारे पास क्लेम है, डेफिनेटली दूसरे नंबर पे आता है, तो उसको हमने क्या देना है, बी देना है। और ये हमने इसको बी दे दिया, और उसके बाद क्लेम और सेम भी हमारे पास राइम कर रहा है, तो हम इसको भी बी दे देंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, ये वियर रह गया, तो फेयर क्लेम वियर देयर, तो ये भी हमारे पास फेयर वेयर देयर, तो ये भी राइम कर रहा है, तो इसको भी हम क्या दे देंगे, ए ही दे देंगे। इसको भी साथ में हम, ये जो वेयर है इसको भी हम क्या दे देंगे, ए। तो इसकी राइमिंग स्कीम बने क्या बनेगी, ए बी डबल ए बी। इसी तरह हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे इसकी भी राइमिंग स्कीम ढूंढ लेते हैं, जो नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे इसने हमें सबसे पहले माइंड्स दिया है, तो माइंड्स और फाइंड्स हमारे पास राइम कर रहे हैं, तो हम दोनों इनको क्या करेंगे, सबसे पहले ज़ाहरी बात है जब माइंड को ए असाइन करेंगे, तो फाइंड उसके साथ राइम कर रहे हैं, तो उसको भी ए असाइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसको भी ए असाइन हो गया। तो इसी तरह हमारे पास लव, और ये हमारे पास इसका कोई राइमिंग नहीं है, तो डेफ़िनेटली ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम इसको क्या दे देंगे, बी दे देंगे। अगर इसका हमें नीचे कोई राइमिंग मिल जाता है, तो हम उसको भी बी दे देंगे। तो ये हमारे पास बी आ गया, और लव का हम मज़ीद ढूंढते हैं, लव के आगे हमें कोई भी नहीं मिला, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद रिमूव है, तो रिमूव अभी हमारे पास फ़िलहाल तो कोई उसका राइम नहीं था, तो डेफ़िनेटली इसको हम तीसरे नंबर पर कंसिडर करेंगे, और इसको क्या दे देंगे, फ़िलहाल सी दे देंगे। रिमूव के साथ हम देखते हैं कि कोई राइमिंग हमें मिलता है, रिमूव मार शेकन बार्क टेकन, तो हमें नहीं मिला, तो इसलिए हमने छोड़ दिया इसको भी। उसके बाद हमारे पास मार्क आता है, डेफ़िनेटली मार्क चौथे नंबर पे आ रहा है राइमिंग के लिहाज से, तो हम इसको क्या दे देंगे, डी दे देंगे। तो ये हमने इसको डी दे दिया। मार्क बार्क, ये बार्क भी हमारे इसके साथ राइम कर रहा है, तो इसको भी हम क्या दे देंगे, डी दे देंगे। उसके बाद बस हमारे पास, उसके बाद ये हमारे पास जो शेकन है, डेफ़िनेटली ये आगे आ रहा है, तो इसके साथ कोई राइम नहीं कर रहा था, तो इसको हम ई दे देंगे। और इसी के साथ इसका ये टेकन भी कर रहा है मैच, तो इन दोनों को हम क्या दे देंगे, ई दे देंगे। तो इसको हमने ई दे दिया, और इसको भी टेकन को हमने ई दे दिया। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनी, ए बी ए सी डी ई डी ई, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम बन गई। तो मज़ीद हम चलते हैं दूसरे वाले इस सेट पे आ जाते हैं, और इधर से भी राइमिंग स्कीम को देख लेते हैं, ताकि आपके मज़ीद कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेंजा आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह बेल्स आ गया, तो बेल्स को डेफ़िनेटली हमारे पास पहले नंबर पे है, तो इसको हम ए असाइन कर लेंगे। ये हमने इसको ए असाइन कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर बेल्स क्राइज रिपेल्स, बेल्स के साथ हमारे साथ ये रिपेल्स राइम कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी ए
साइन कर देंगे। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्राइज और स्काइज आपस में मैच कर रहे हैं, तो क्राइज को डेफिनेटली हमने बी करना था और फिर स्काइज भी इसके साथ मैच कर रहे हैं तो हमने इसको भी बी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ये इधर भी बी आ गया। उसके बाद ये जो बेल्स के साथ ये एल्स है ये भी मैच कर रहे हैं तो हम इस एल्स को भी आखिर में क्या करेंगे, ए दे देंगे। मज़ीद अगर नीचे आएँ तो ये हमारे पास पॉइंट है, इसमें अपीयर है, अपीयर को डेफिनेटली हम ए असाइन करेंगे क्योंकि ये पहले नंबर पे आ रहा है और अपीयर के साथ देखेंगे क्या राइम कर रहा है। तो इसके साथ डिसअपीयर, डिसपेयर, अपीयर ये राइम कर रहा है और इसको भी हम क्या दे देंगे, ए दे देंगे। तो ये हमारे पास ए आ गया, ये भी हमारे पास ए है। तो उसके बाद किंग्स, और किंग्स हमारे पास किसी चीज़ से राइम नहीं कर रहा तो डेफिनेटली इसको हम बी दे देंगे। यहाँ पर ये हमारे पास इसको बी दे दिया। उसके बाद डीके और अवे हमारे पास मैच कर रहे हैं तो डीके को सी दे देंगे और डेफिनेटली अवे के साथ भी सी चला जाएगा। ये हमारे पास दोनों सी आ गए। इस तरह बेयर अपेयर, बेयर डिसअपेयर, तो ये बियर के साथ भी आई थिंक सो ए ही आ जाएगा क्योंकि ये भी आपस में राइम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरह हमारी राइमिंग स्कीम होती है। तो मज़ीद यहाँ पर हमारे पास दो स्टैंजा हमने ये कर लिए, तो मज़ीद मैं एक और आपको मॉडल पेपर से करा देता हूँ। ये आपको एक और जो आपका मॉडल पेपर है यहाँ से इससे भी हम कर लेते हैं ताकि आपके मज़ीद कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो पोएम्स हैं तो इनको भी देख लेते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास एम एम है, तो अब इस तरह की पोएम हमारे पास आ गई। डेफिनेटली इसके हमारे पास जो राइमिंग स्कीम आएगी ये आई एम ही आ रही है इसके आखिर में, तो इसमें भी हम ए दे देंगे इसको, इसको भी ए दे देंगे। इसी तरह डार्क डार्क है तो इनको क्या दे देंगे, बी बी दे देंगे। और उसके बाद मी मी है तो इसको सी सी दे देंगे, और आर आर है तो इसको डी डी। ये तो सीधी सीधी राइमिंग स्कीम है डेफिनेटली। तो यहाँ पे इस पोएम से, इस तरह की पोएम से वो आपको राइमिंग स्कीम शायद पूछे भी ना क्योंकि बहुत आसान है। इसी तरह मज़ीद आओ तो ये हमारे पास फाइट है और लाइट है, आपस में दोनों राइम कर रहे हैं, फाइट लाइट, तो इनको हम ए ए दे देंगे। उसके बाद हमारे पास प्लेन और रेन आपस में मैच कर रहे हैं तो हमारे पास हम इनको बी बी दे देंगे। और किंग और आपस में जो थिंग है ये आपस में राइम कर रहे हैं तो इनको क्या दे देंगे, सी सी। तो यहाँ पर इनको बी बी दे दो और इसको क्या दे दो, सी, और इसको भी सी। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम थी। मज़ीद भी अगर आपको अभी भी मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मज़ीद बताने का मकसद नहीं है। तो बाकी पॉलिटिक डिवाइसेस वगैरह पे वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को भी ऑन करो। अगर कोई चीज़ और पर वीडियो बनवाना चाहते हो नीचे कमेंट करो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।